ये डायबिटीज के लिए वक्रासन खास, और यदि डायबिटीज की पेशेंट को वजन भी बढ़ा हुआ है तो 3 अभ्यास वेट कम करने वाले करें, उससे शारीरिक श्रम भी होगा, मधुमेह भी नियंत्रित होगा, और वेट यदि बढ़ा हुआ है तो वेट भी अपने आप ही घट जाएगा। कपालभाति से यदि मधुमेह सहित वेट भी आपका कंट्रोल होता है, लेकिन 3 अभ्यास यदि डायबिटीज के साथ मोटापा भी है तो ये कर सकते हैं आप। दोनों पैर सीधे करके शवासन में लेट जाए आप, शवासन में लेट करके, और आप कर सकेंगे मोटापा कम करने के लिए जरूरी 3 अभ्यास। एक एक पैर को ये ऊपर उठाना और नीचे लेके आना, ये प्रथम अभ्यास। फिर दोनों पैरों को एक साथ और अर्धासन के बाद पाद वृत्तासन, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना बस पूरी गोलाई में। फिर एक एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाया, एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से करेंगे आप, पूरा बड़ा शून्य बनेगा क्लॉकवाइज, पूरा बड़ा शून्य बनाएंगे। एक बार एक दिशा से, फिर दूसरी दिशा से उसके अपोजिट साइड से, फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों हाथ जंघों के पास जमीन पर गोल घुमा दें। यदि कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से एक साथ करना ही नहीं आपको, इस तरह से बड़ा शून्य दोनों पैरों से यो बना देना, और फिर द्वितक्रिकासन दोनों पैरों को मिलाकर के ऊपर उठाना, मोड़ना और सीधा कर देना। अधिकतम जितना उठा सके, मोड़ सके मोड़े, सीधा कर सके तो पूरा सीधा करें। फिर विपरीत दिशा से इस तरह से ये 3 अभ्यास पेट के लिए भी उपयोगी होंगे, वेट के लिए भी उपयोगी होंगे, और मधुमेह के लिए भी। थोड़ी देर विश्राम कर लें फिर शवासन में, और फिर यदि स्पाइन की भी प्रॉब्लम है तो एक आसन आप जरूर इसके साथ जोड़ सकते हैं, और वह है भुजंगासन। उसको इस तरह से किया जा सकता है, दोनों हाथ साइड में, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए, और श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते, देखते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए। इस तरह से इसको 3 से 5 बार किया जा सकता है। तो ये विशेष उपयोगी अभ्यास, वैसे तो आपको लगभग हमने ये 9 आसन बताए हैं, परंतु इसमें से आप यदि 2 ही आसन कर लेते हैं तो भी आपका कार्य पूरा हो जाता है। और इसके साथ कुछ घरेलू उपचार जिनको अपना करके आप मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं और धीरे धीरे इसको क्योर कर सकते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, इनका जूस बना करके आप घर पे प्रतिदिन पी सकते हैं। खीरा, करेला और टमाटर का जूस हर व्यक्ति अपने घर में उसका प्रयोग कर सकता है। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर सुबह खाली पेट इनका जूस बना ले, और जूस बना करके सुबह खाली पेट आप ये पी लीजिए। इसके बाद नाश्ते में आप जो भी अंकुरित अन्न या दूध या ऐसे फ्रूट जिनमें कम मीठा होता है उनका प्रयोग करें। वैसे ये जूस ही पर्याप्त है, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर सुबह खाली पेट। इस जूस के अंदर आप 7 फूल सदाबहार के डाल सकते हैं, सदाबहार पर सफेद फूल आते हैं उनका प्रयोग करें आप, वो ज्यादा उपयोगी। सदाबहार, खीरा, करेला, टमाटर का जूस प्रातःकाल खाली पेट पिए, ये घरेलू उपचार। दूसरा, मेथी दाने लगभग 2 ग्राम रात को भिगो दे, सुबह खाली पेट खा लें, ये दूसरा उपचार घरेलू। जामुन की गुठली आप ले लीजिए, उनका पाउडर बना के उसको खा लीजिए। वैसे जामुन भी डायबिटीज में फायदा करता है, और जामुन की गुठली आप रख लें, वैसे मार्केट से भी मिल जाती है, उनका भी 2-2 ग्राम सुबह शाम पाउडर करके खाया जा सकता है। करेला सुखा करके छाया में सुखा ले, काट करके घर में ही, और उसका पाउडर भी 2-2 ग्राम सुबह शाम लेने से आपकी मधुमेह नियंत्रित हो जाती है, ये घरेलू उपचार। और इसमें एक खास बात और आप जोड़ सकते हैं, वो ये कि जब आप ये जूस बनाते हैं खीरा, करेला, टमाटर का, तो उसमें आप 7 फूल जैसे सदाबहार के डालते हैं, नीम की भी 7 पत्ती उसमें डाल लें,
सात पत्ते नीम के, सात फुल सदाबहार के, एक हीरा, एक करेला, एक टमाटर, इसका जूस बना के पी लें। फिर एक, यदि आप ये सब झंझट नहीं करना हो तो एक शायद एक उपचार इन छह सात चीजों का आप चूर्ण बना लें, अर्थात मेथी, करेला, मेथी दाना, करेला, नीम, इस सभी के घरों में उपलब्ध हो जाएगा। मेथी दाना, नीम, करेला, ये तो सभी के घरों में उपलब्ध है। फिर इसके अंदर जामुन गुठली आप मार्केट से खरीद के मिला सकते हैं, चिरायता, और चिरायता ना मिले तो कालमेघ आप ले सकते हैं, चिरायता या कालमेघ, दोनों में से एक ले ले। वैसे चिरायता भी बहुत सी जगह तो नकली मिलता है, इसलिए कालमेघ ले लेना, वो सस्ता भी मिलता है। और इसके अंदर गिलोय, इनको मिलाकर के सबको, ये सात चीजें हो गई, इनको मिलाकर के पाउडर कर लें और दो दो ग्राम सुबह शाम या पांच पांच ग्राम सुबह शाम खाली पेट पानी से ले लें, मधुमेह नियंत्रित हो जाएगा। घरेलू उपचार बहुत ही अच्छा। फिर एक दलिया हम बनाने के लिए अक्सर बोलते हैं, इस दलिया का 21 दिन तक प्रयोग करने से इंसुलिन तक लोगों का छूट जाता है, और प्राणायाम योग अभ्यास के करने से भी धीरे धीरे इंसुलिन छूटता ही है, ऐसा होता ही है। ये बता रहे पूरी दुनिया के लोगों को कि मधुमेह किस तरह से, जो एक बहुत बड़ी विश्व की समस्या, उसे छुटकारा पाया जा सकता है योग और ऋषियों की शरण में आकर के, प्रकृति की शरण में आके। एक दलिया बना सकते हैं, 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम ये चारों धान लेकर के, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सफेद तिल इसमें मिला देना, 500 ग्राम गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग, इनको थोड़ा किसी कढ़ाई में थोड़ा सेक लें, फिर इसमें 20 ग्राम अजवाइन बिना ही सेके और 50 ग्राम तिल डाल दें, ये दलिया तैयार हो गया। ये मोटा मोटा दलिया 50 ग्राम लें, 700 ग्राम पानी में पकाएं, और जब गाढ़ा हो जाए तब इसमें थोड़ा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च इसमें डाली जा सकती है। घी नहीं डालें इसके अंदर, छोंक ना लगाएं, ये दलिया खाएं आप, और यही दलिया 21 दिन तक खाएं, और साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार, नीम के पत्ते डाल के पी लें आप, तो 99% आपकी 20 ही दिन के अंदर, किस 3 दिन में किसी की 7 दिन के अंदर ही मधुमेह कंट्रोल ही नहीं हो जाती, इंसुलिन तक बंद हो जाती। चेक करवाते रहना आप, दूसरे दिन से चेक करवाना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए और आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा घट जाए। इसलिए ध्यान रखना, इससे डायबिटीज एकदम कंट्रोल आती है, इसलिए इंसुलिन और दवाइयां धीरे धीरे कम करते जाना। ये दलिया आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद में कुछ दवाइयां भी हैं, आप उनका भी प्रयोग सकते हैं। आयुर्वेद को मैं पांचवें श्रेणी में गिनता हूं, प्रथम प्राणायाम, दूसरा एक्यूप्रेशर, उसी के साथ में जुड़ा हुआ है आसन, फिर घरेलू प्राकृतिक उपचार, फिर पांचवी श्रेणी में ये आयुर्वेदिक उपचार शिलाजीत, जो डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाती है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करती है, और डायबिटीज के कारण से जो स्नायु की दुर्बलता, कमजोरी और तमाम दूसरी समस्याओं से आपको निजात दिलाती है। मधुमेह के लिए एक एक बूंद सुबह शाम आप शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते प्योर हो। आश्रम में हम दवाई इसलिए नहीं बनाते कि उससे कोई आपको प्रॉफिट करना है आश्रम को, अब यदि इस भाव से कि यदि बहुत अधिक किसी को कोई असाध्य रोग ने आ घेर लिया है तो उसके लिए वो उनसे समाधान पा सके, मधुमेह के लिए शिलाजीत एक एक बूंद, मधुनाशिनी एक एक या दो दो गोली, और बहुत ज्यादा यूरिन प्रॉब्लम्स हैं तो यद्यपि कपालभाति और मंडूकासन को ठीक करता है, चंद्र प्रभाव टी एक एक गोली ले सकते हैं। तो शिलाजीत एक एक बूंद, मधुनाशिनी एक एक या दो दो गोली, चंद्र प्रभाव टी एक एक गोली, या इनमें से तीनों में से एक चीज का ही प्रयोग करने से यदि मधुमेह नियंत्रित हो जाता तो फिर ज्यादा प्रयोग ही क्यों करना। तो शिलाजीत, चंद्र प्रभाव, मधुनाशिनी, ये आयुर्वेद की औषधियां भी आप ले सकते हैं मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए। सबसे अच्छा उपाय है योगाभ्यास, प्रकृति की शरण, सदा प्रसन्नता चेहरे पर, और आहार पर थोड़ा सा नियंत्रण, ज्यादा ना खाएं, खाने के घंटा बाद पानी पिए, सुबह उठ करके पानी जरूर पिए, ज्यादा मीठी चीजों का प्रयोग ना करें, हरी साग सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, बस रात को दही ना खाएं और भारी चीजों को खाने से बचें, ऐसी चीजें खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, एक बार में बहुत ज्यादा ना खाएं, और इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर भी खाते रहें, मधुमेह में बहुत ज्यादा भूख लगती है, शायद हमारी गलत फहमी है। सुबह आप नाश्ता कीजिए, उसके 3 घंटे बाद आप या 4 घंटे बाद दोपहर का भोजन, और बहुत ही ज्यादा भूख लगती ही है तो शाम को 4-5 बजे आप कोई फल जो बहुत ज्यादा मीठा ना हो, जैसे पपीता है या सेब है, इस तरह का कोई फल ले सकते हैं, नहीं तो शाम को जूस ही पीजिए, खीरा, करेला, टमाटर वाला, रात को भोजन ले लें। इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी मधुमेह कंट्रोल ही नहीं, धीरे धीरे क्योर होगी,
और देश के करोड़ों लोगों ने इस योग की विद्या से जुड़ करके आरोग्य पाया है। मुझे लगता है आपकी भी समस्या मिटेगी, और केवल ये समस्या ही नहीं मिटेगी, इस समस्या के कारण से, डायबिटीज के कारण से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आप बच जाएंगे, ये उससे भी बड़ी बात होगी। आप स्वयं स्वस्थ रहना और इस डायबिटीज के क्रूर पाशों से देश के करोड़ों लोग जो पीड़ित हैं और दुनिया के करोड़ों लोग जो इससे पीड़ित हैं उनको भी बचाने के लिए मैं समझता हूं कि आप दूसरों को भी प्रेरणा देना, क्योंकि डायबिटीज से आदमी की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। डायबिटीज के कारण से आदमी कई बार जिंदा तो रहता है लेकिन भीतर से वो खोखला हो जाता है। डायबिटीज एक बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का, और इस आतंक के साये से आप इस पूरी दुनिया को मुक्त कर सकते हैं केवल और केवल योग की क्षण में आकर के। आओ योगम क्षणम गच्छामि, हम सब योग की क्षण में आए और इस मधुमेह सहित दुनिया की तमाम समस्याओं से, तमाम बीमारियों से हम छुटकारा पाएं, स्वयं रोग मुक्त हो, दुनिया को रोग मुक्त बनाएं और पहले से योग अभ्यास करना प्रारंभ कर दें, जिससे कि मधुमेह जैसी खतरनाक समस्याओं से हमें जूझना न पड़े और हम सदा स्वस्थ आनंदमय जीवन जी सकें। इसके लिए जरूरी है प्रतिदिन आधा घंटा प्राणायाम, 15 मिनट योग की कुछ आसन और सूक्ष्म व्यायाम, और कुछ भी ना हो तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो जरूर कर लेना मेरे भाई, तभी आपको व्याधियां होंगी ही नहीं। तो ये आज विशेष प्रोग्राम हमने आपको दिया मधुमेह के लिए, जिससे देश के करोड़ों लोग पीड़ित हैं वो लाभान्वित हो सके और स्वस्थ जीवन जी सके। मुझे लगता है आप इससे प्रेरणा पा करके थोड़ा सा अभ्यास जरूर करेंगे। जब दवा खाने के लिए आप वक्त निकाल सकते हैं तो क्या योग करने के लिए आप वक्त नहीं निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से आपकी ये व्याधियां मिटेंगी ही, मधुमेह सहित तमाम समस्याएं उनसे आप छुटकारा पाएंगे योग के द्वारा। ध्यान रखें, अपने आहार पर नियंत्रण करें, शारीरिक श्रम करें व चिंता न करें, मीठे पदार्थों का त्याग करें, तले पदार्थों, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर व पिज्जा आदि का भी प्रयोग न करें। मधुमेह के रोगी चोकर युक्त आटा, मूंग अरहर व चने की दाल, करेला, परवल, लौकी, तोरई, पालक व बथुआ आदि की सब्जियां, टमाटर, खीरा और पपीता व अमरूद आदि फलों अल्प मात्रा में का सेवन करें। नाश्ते में अंकुरित अन्न या फीका दूध या छाछ लें। चावल, दही, गन्ने का रस, मौसमी, केला, अनार, अंजीर, चीकू, सेब, चीनी, गुड़, मिश्री व आलू आदि का सेवन न करें। दिन में भोजन के पश्चात न सोएं। भोजन के बाद 3 या 4 किलोमीटर अवश्य टहलें। धूम्रपान व मद्यपान से दूर रहें। घरेलू उपचार, खीरा, टमाटर व करेला तीनों एक एक लेकर जूस बना लें। इस जूस को खाली पेट पीने से मधुमेह में फायदा होता है। नीम के 7 पत्ते या सदाबहार के 7 पत्ते खाली पेट जल के साथ चबाने से मधुमेह में फायदा होता है। मधुमेह में शीघ्र लाभ के लिए खीरा, टमाटर व करेले के जूस में नीम के 7 पत्ते व सदाबहार के 7 फूल पीस कर डालें। जामुन मधुमेह में लाभकारी है, इसकी गुठली का पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी से लें। मेथी दाना, सूखा करेला, नीम, जामुन की गुठली, चिरायता या काला मेद, काली जीरी और गिलोय, इन सबको समान मात्रा में लेकर चून बना लें। इस चून को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ सेवन करें। मेथी दाना 2 ग्राम रात को भिगोकर रखें, सुबह उसका पानी पिएं व दाने चबाएं। गेहूं, चावल, बाजरा व साबुत मूंग 500-500 ग्राम सेक कर दलिया बना लें। इसमें 20 ग्राम अजवाइन व 50 ग्राम सफेद तिल मिला दें। 50 ग्राम दलिया 400 ग्राम पानी में पकाएं। स्वाद के लिए हरा धनिया, अदरक व हरी मिर्च मिला दें। इस दलिया को 1 माह तक नियमित सेवन करने से मधुमेह ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक उपचार, वैद्यकीय परामर्श अनुसार शिलाजीत 1-1 बूंद सुबह शाम दूध के साथ लें। मधुनाशिनी वटी व चंद्रप्रभा वटी 1-1 गोली खाने से आधा घंटे पहले या बाद में 3 बार लें।